सुप्रभात बच्चों, उम्मीद है कि पिछली कक्षा में मैंने आपको कोरोना से संबंधित जो भी बातें बताई थी उन सभी का आप लोग सही ढंग से पालन कर रहे होंगे। इससे पहले हमने वर्ण के बारे में बताया था कि वर्ण क्या होता है और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको स्वर के बारे में जानकारी दी थी। आज हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। व्यंजन, व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। पहला व्यंजन क व्यंजन है और अंतिम व्यंजन ह व्यंजन है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में मुंह से हवा निकलते समय बीच बीच में रुकावट आती है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला रहता है, जैसे क प्लस अ इज इक्वल टू क। बिना स्वरों के जब हम व्यंजन को लिखते हैं तो उस समय हम व्यंजनों के पैरों में एक छोटी तिरछी रेखा खींच देते हैं जिसे हलंत कहा जाता है। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाता है और व्यंजन कितने हैं। पहला व्यंजन है क व्यंजन। तो क, क से कबूतर, क से कबूतर। तो क्या होता है कबूतर? क से कौन सा शब्द बनता है? कबूतर। से ख, ख से खरगोश, ख से क्या बनता है? ख से खरगोश। और अगला आता है ग, ग से गमला, ग से गमला, ग से क्या बना? गमला। और अगला है घ, घ से घड़ी, घ से घड़ी। और अगला व्यंजन है अंग, अंग से कोई शब्द नहीं बनता है। उसके बाद हम आपको च के बारे में बताएंगे। अगला व्यंजन है च, च से चटाई, च से चटाई। और उसके बाद छ, छ से छतरी, छ से छतरी। उसके बाद अगला व्यंजन है ज, ज से जलेबी, जैसे जलेबी। और इसके बाद झ, झ, झ से झरना, झ से झरना। और उसके बाद अगला व्यंजन है इया,
यह से भी कोई शब्द नहीं बनता, इसलिए अब हम आज हम लोग व्यंजन के बारे में इतना ही जानेंगे, और जब हम आपसे अगली कक्षा में फिर मिलेंगे तो आगे के व्यंजनों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे बच्चों।